नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस टाइम पर MP में एक वैकेंसी है, उसको लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारी जगह खबर चल रही है कि पटवारी की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये तो आपको नहीं बताने वाले हैं कि आने वाली है कि नहीं आने वाली है, लेकिन फ्रेंड्स ये तो देखिए आपको तभी पता चलेगा जब एक्चुअल में आ जाएगी ऑफिशियल। लेकिन फ्रेंड्स आपको हम ये बताने वाले हैं कि इसके लिए योग्यता, जब पहले वैकेंसी आई थी 2017 में, योग्यता क्या थी और सिलेबस क्या था। तो दोस्तों आइए सभी जानकारी आपको देंगे। यदि आप फ्रेशर स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब 2017 में वैकेंसी आई थी पटवारी की, तो उसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया था, और जो CPCT था वो दोस्तों ऑप्शनल था, यानी आपके पास हो तो अच्छा है, नहीं हो तो अच्छा है। हो तो दोस्तों आपको क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि आपके पास नहीं है तो उन्होंने एक टाइम दिया था कि आपको जो है उतने समय तक जो है आपको क्वालिफाई करना है सिलेक्शन के बाद। तो दोस्तों ग्रेजुएशन था और CPCT क्वालिफाई मांगा था। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो एग्ज़ाम था 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें देखिए दोस्तों, सिलेबस में GK रहता है, दोस्तों जनरल मैथ एवं जनरल एप्टीट्यूड रहता है सिलेबस में, जनरल हिंदी रहती है दोस्तों, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज रहता है, ये दोस्तों आप अच्छे से पढ़ें, कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर नॉलेज, तो दोस्तों ये जो है जो पटवारी भर्ती थी उसका ये सिलेबस था, कंप्यूटर था और GK था, हिंदी था और पंचायती राज था, मैथ था। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने आपको जो MP पटवारी का जो दोस्तों सिलेबस था उसके बारे में आपको बताया है। देखिए दोस्तों, GK, मैथ, हिंदी, गणित, कंप्यूटर, ये सब पंचायती राज, ये सब था। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब